इस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, ये ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन में भी बहुत काम आएगा। और इस चैप्टर का नाम है सर्कल, इसमें हम लोग करते क्या है बच्चों कि अब सर्कल में रिलेटेड कुछ डिफिनेशन है मैं बता देता हूँ। तो सर्कल सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, मान ले कि 2 सेंटीमीटर, तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स ले लेते हैं, ऐसे बहुत से पॉइंट ले लेते हैं। और सभी पॉइंट को मिलाने से ये जो फिगर बनता है, बहुत अच्छा नहीं बना, इस फिगर को हम लोग सर्कल कहते हैं। तो सर्कल को, इसको मैथ में लोकस कहा जाता है। अभी तो आप लोकस आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो कह सकते हैं कि सेंटर सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इक्विडिस्टेंट जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट का लोकस आपका सर्कल कहा जाता है। और ये जो पाथ जिसके थ्रू ये जो पाथ है, बाउंड्री है, इसको अदर ज्योमेट्रिकल फिगर हैं वहां पर इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन यहां पर इस बाउंड्री लाइन को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। और दूसरे फिगर में यही क्या कहा जाता है बच्चों? पेरीमीटर कहा जाता है। अब सर्कल में सेंटर, अब सर्कमफेरेंस के, अच्छा देखिए, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस। डेफिनेशन क्या हुआ रेडियस का? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। और सर्कल में कितने रेडियस खींचे जा सकते हैं? बहुत से। देख लीजिए मैं खींच रहा हूं इनफाइनाइट रेडियस। क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी रेडियाई कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल, तो देयर आर इनफाइनाइट रेडियस। और सभी रेडियस इक्वल लेंथ का होते हैं, जितना ही है उतना ही है उतना ही है, सभी रेडियस इक्वल लेंथ का होगा। ठीक है, अब आइए, अब हम दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने एक फिगर बनाया, ये भी सर्कल है, ये हम लोग का सेंटर हो गया। अब सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इट इज कॉल्ड द कॉर्ड। हिंदी में इसको कहते हैं जीवा। लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द कॉर्ड। तो एक सर्कल में कितने कॉर्ड खींचे जा सकते हैं? बहुत से। ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो सकता है कॉर्ड। कुछ कॉर्ड इक्वल लेंथ का, जैसे ए और इक्वल लेंथ का है, लेकिन ए और इक्वल लेंथ का नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि सारे कॉर्ड इक्वल लेंथ का हो, और डिफरेंट लेंथ का भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने कॉर्ड खींचे जा सकते हैं? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल? तो देयर आर इनफाइनाइट कॉर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपका है। एक सर्कल बना लीजिए, ये सेंटर है, यह भी तो आपका कॉर्ड होगा जो सेंटर से जा रहा है। इस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं डायमीटर, इसको कहते हैं डायमीटर। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। सेंटर से होते हुए जो कॉर्ड जा रहा है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। अब देखिए एक चीज, अब देखिए यहां पर, यहीं पर अब दिखाते हैं, ये सब इस कॉर्ड को हटा देते हैं। अब एक कॉर्ड और ए हो गया सर्कमफेरेंस का पार्ट, तो सर्कमफेरेंस का ए पार्ट कहा जाता है आर्क। सर्कमफेरेंस का एक पार्ट जो है उसको आर्क कहते हैं।
अब दो होते हैं, एक माइनर आर्क होते हैं एक मेजर। अब जैसे देखिए यहां से ए और बी अगर देखिए तो ये आर्क छोटा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी, और आर्क को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आर्क ए बी। अब ये छोटा है तो इसको माइनर कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे माइनर आर्क। और ए ही ए बी आर्क बड़ा है तो ए बी आर्क, इसको मेजर कहेंगे, इसको मेजर आर्क कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब कि जिस आर्क के घेरे में सेंटर होगा वो मेजर होगा। तो ये तो लेंथ का है, ये तो आप देखकर बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखिए यहाँ दो चीजें और हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये मेरा कॉर्ड हो गया, और ये क्या हो गया आर्क। कॉर्ड और आर्क से जो रीजन, जो एरिया बाउंडेड होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। एरिया बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब सेगमेंट भी दो होंगे, अगर माइनर आर्क जुड़ा हुआ है तो इसको माइनर सेगमेंट, इसको क्या कहेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं। एक और फिगर है इसमें, ये सर्कल ले लीजिए, ये सेंटर है, और यहां से दो रेडियस खींच लीजिए, तो दो रेडियस और ये आर्क हो गया, इससे जो ये रीजन बाउंडेड होता है इसको कहते हैं सेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। अब सेक्टर भी दो प्रकार के होंगे, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो अगर यह एंगल, ए एंगल थीटा 180 से कम होता है तो इसको माइनर सेक्टर कहेंगे, और अगर ये 180 से ज्यादा होगा तो इसको मेजर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये मेरा डायमीटर है और ये क्या है आर्क है, तो डायमीटर और आर्क से भी जो ये रीजन बाउंडेड होगा इसको हम लोग सेगमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये माइनर और मेजर नहीं होगा, इसलिए कि यह आर्क का लेंथ और यह आर्क का लेंथ इक्वल होता है। तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल, इस फिगर को क्या कहते हैं सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। तो पहली बात देखिए, डायमीटर सर्कल को द इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। डायमीटर कितने खींचे जा सकते हैं इनफाइनाइट, सेंटर से जाते हुए बहुत से डायमीटर खींचे जा सकते हैं। डायमीटर क्या है, इट इज अ कॉर्ड, इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह सकते हैं। अब डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड इसमें नहीं खींचा जा सकता है, और डायमीटर का नंबर कितना होगा इनफाइनाइट होगा। डायमीटर का क्या होगा बच्चों, देखिए ए रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो डायमीटर क्या होगा 2 × रेडियस के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, 2 × रेडियस के बराबर होगा। तो अब एक और इसकी फिगर बना लिया, अब मिटा लेता हूं, अब आगे चलता हूं। अब हमारे पास जो फिगर है, अब आगे देखिए, ये देखिए इस एक लाइन जो सर्कल को कट करते हुए पास कर जाती है, तो इसका इतना रीजन तो कॉर्ड कहलाएगा, लेकिन इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं सेकंड। ये सर्कल को कट करते हुए पास कर जाता है, ये बहुत लंबा होता है दोनों साइड, ये तो रे है तो सॉरी लाइन है तो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड करेगा। इसके अलावा देखिए और भी छोटी छोटी इसमें बातें जुड़ी हुई है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कि बहुत से सर्कल हमने बनाया, जैसे सर्कल बनाया इसका ये सेंटर है, इसी सेंटर को मान करके ए भी सर्कल बनाया, इसी को सेंटर मान करके ए भी सर्कल बनाया, तो ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। यानी बहुत से सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। और एक होता है बच्चों कॉनकरेंट लाइन,
तो एक ही लाइन पर अगर बहुत से पॉइंट होते हैं, यानी बहुत से पॉइंट से कोई लाइन अगर गुजरता है तो इसको कॉन्करेंट पॉइंट्स कहते हैं। थोड़ा एक ही तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, सामान्यतः यहाँ एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है कि कोई अगर हम सर्कल बनाते हैं तो, और सर्कल अगर इक्वल आर्क है, जैसे ए बी आर्क, और यहाँ ले लेते हैं ऐसे सी डी आर्क, तो सेंटर पर जो ये एंगल बनाएगा ए एंगल थीटा होगा और ए एंगल थीटा होगा। यानी इफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, तो जो एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये कोई थ्योरम नहीं है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटली आप भी फिगर बना करके देख सकते हैं। बराबर आर्क काट लीजिए, सेंटर पर एंगल बनाइए और आप एक्सपेरिमेंटली इसको देख सकते हैं कि ये बातें सही हो जाएगी, बिल्कुल सही आएगी। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक था जिसकी चर्चा मैंने किया। और एक और चीज है टैंजेंट, कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ ये लाइन, इट इज कॉल्ड द टैंजेंट। टैंजेंट टचेज द सर्कमफेरेंस एट ओनली वन पॉइंट, यानी देयर इज वन पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑन द टैंजेंट which is also on the circumference। यह पॉइंट टेंजेंट पर भी है और सर्कमफेरेंस पर भी है, और कोई पॉइंट ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, बहुत से, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बहुत से टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। अब टेंजेंट वाला टॉपिक जब आएगा तो मैं इस पर और डिटेल्स चर्चा करूंगा, लेकिन सर्कल में ये सारी चीजें हम लोग को जानकारी रखनी थी, इतना हम लोगों ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग थ्योरम के बारे में चलते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग थ्योरम के बारे में चलते हैं। अब थ्योरम कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहला थ्योरम तो हमारे पास है, याद रखिएगा कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है। ऐसे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने पढ़ा है, लेकिन सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कब होगा, जब दो सर्कल का रेडियस सेम हो, बस। क्योंकि एक ही चीज सर्कल में वैरी करेगा रेडियस, और रेडियस वैरी करने से सर्कमफेरेंस, एरिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड सब कुछ वैरी करेगा। यानी फंडामेंटल फैक्टर क्या है मेरा, रेडियस। तो दो सर्कल का रेडियस अगर सेम है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कुछ और नहीं आएगा। अब हमारे पास थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सबटेंड सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमारे पास थ्योरम है, शॉर्टकट में इसको कह सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल कॉर्ड अगर सर्कल का है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे एक सर्कल बना लोगे। पहले देखो, अब दो इक्वल कॉर्ड लेना है आपको, तो आप एक कॉर्ड ये ले लो और एक कॉर्ड यह ले लो, ये दोनों इक्वल है, नाम दे दो ए बी सी डी, और यहां पर सेंटर हुआ है। अब दोनों कॉर्ड सेंटर पर एंगल बना रहे हैं तो आप बना दीजिए सेंटर पर एंगल, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बना दीजिए। अब याद रखिएगा, ध्यान से यहां देखिएगा, हमने ओ से बी माना, बी में ज्वाइंट किया है और ओ से डी ज्वाइंट किया है, यानी बी और डी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। ओ से बी को ज्वाइंट किया है, ओ से डी को ज्वाइंट किया है, यानी बी और डी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो फिगर तो बन गया, अब हम गिवन लिखेंगे। अब देखिए गिवन लिखन कैसे सर्कल में लिखते हैं। देयर इज ए सर्कल
सी ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ऐसे लिखते हैं, देयर इज ए सर्कल सी ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर कॉल्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी कॉल्ड इक्वल दिया हुआ है। रिलेशन टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, यहां वन टू ना दे दी, इसका वन और इसका टू, यही प्रूफ करना है हमको। कंस्ट्रक्शन तो यहां है नहीं, तो सीधे प्रूफ में आएंगे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी दो ट्राइंगल है, उसमें हम लोग चलते हैं। क्या होगा इसमें, अब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई तीन चीज को इक्वल करना होता है। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, कारण क्या है बच्चों, गिवन है। ये कारण जरूर लिखिएगा, ए नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर देखिए ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी, फिर ओ बी और ओ डी इक्वल होगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, कारण क्या है, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, इस वजह से ऐसा होगा। तो तीन चीजें इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी बाई साइड साइड साइड, क्या होगा, साइड 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आइए देयरफॉर सिंपलिसिटी लगाइए, इसके सामने का एंगल ए वन और इसके सामने का एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बाई सिंपलिसिटी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाई सिंपलिसिटी। तो ये दोनों साइड इक्वल था, सामने का एंगल इक्वल हो गया, तो ये थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो गया कि अगर किसी सर्कल में दो कोण, यानी दो ही नहीं जितने भी कोण हैं, अगर वो इक्वल हैं तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया थ्योरम, थ्योरम को लिखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट याद करिए, लिखिए। और बार बार बच्चे पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन कहाँ होगा सर, ये मुझे भी नहीं पता, आप अभ्यास करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और लिखिए, और नोट्स तैयार हो जाएगी, सारी थ्योरम को एक जगह लिखिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, बनने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलता हूं। अब इसी थ्योरम का कन्वर्स है, अब कहता है कि इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर इक्वल, इफ टू कॉर्ड्स कन्वर्स थ्योरम है इसका, कि इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ, तो दोनों लेंथ में इक्वल होंगे, ये थ्योरम हम लोग को बनाना है। थोड़ा सा मैं इंक डाल लूं तो बात बन जाएगी, चलिए ठीक है। चलिए ओके, इंक पिला लिया, हाँ भैया देखिए हमको करने का मतलब क्या होगा कि एक हम लोग को सर्कल दे रहा है और ये सेंटर हो गया, दो कॉर्ड है, मान ले कि एक कॉर्ड ए हो गया और एक कॉर्ड ए हो गया, नाम ए बी एंड सी डी, दोनों सेंटर पर एंगल बना रहे हैं, ये हो गया,
अब इस सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी ए इक्वल टू ए गिवन है, इसको वन और टू मान लीजिए। तो कैसे गिवन लिखिएगा बच्चों? उसी तरीके से गिवन अब लिखने के लिए सीख लिए हैं। देयर इज अ सर्कल सी ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सभी सर्कल में ऐसे ही पहला लाइन लिखाना है गिवन में, इन विच कॉर्ड ए बी एंड सी डी सबटेंड एंगल वन एंड टू एट द सेंटर विच आर इक्वल इन मेजर। आरटीपी क्या करना है? अब आरटीपी मैं लिख रहा हूँ सीधे, गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन आप खुद लिखेंगे। ए बी इजक्वल टू सी डी, यही हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, इसलिए सीधा प्रूफ में आ जाइए। तो दो ट्राइंगल दिख रहा है, चलिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, क्या क्या इक्वल दिख रहा है बच्चों? तो ओ ए और ओ सी इक्वल है रेडियस की वजह से, ओ ए इजक्वल टू ओ सी, कारण लिख दे ड्यू टू रेडियस, ठीक है ना? नहीं बच्चों गलत है, ड्यू टू रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सिर्फ रेडियस का नहीं होगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये तो गिवन है, गिवन में ही था कि वन और टू इक्वल है, और कौन बच गया? ओ बी और ओ डी इक्वल हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी है ड्यू टू रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो तीन चीजें इक्वल हो गई। कॉन्ग्रोइंट करने में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कोई तीन चीज को, तीन साइड और तीन एंगल होता है, कोई तीन का इक्वल करके कॉन्ग्रोइंट हो जाएगा, सिर्फ तीनों एंगल इक्वल नहीं करिएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। और देयरफॉर आप चले ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रोइंट ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी कॉन्ग्रोइंट हो जाएगा। सिंपलिसिटी लगाइए, तो वन और टू इक्वल है, तो वन के सामने का साइड सी डी और टू के सामने का साइड ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी बाई सिंपलिसिटी प्रूव्ड हो गया। ओके, तो इस तरीके से यह दूसरा थ्योरम भी हम लोग कर लिए। अब आगे चलते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम कहता है कि, उसके भी चर्चा मैं कर देता हूं, बहुत अच्छा थ्योरम है और सारे थ्योरम याद रखेंगे तभी ज्योमेट्री बनेगी, और ज्योमेट्री स्ट्रांग होगा तभी फिजिक्स आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि फिजिक्स तो ज्योमेट्री से ही चलता है, मैथ से ही चलता है। कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्टेड, क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखिए मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉन From the center, bisects the cord, cord को bisect कर देता है। फिगर बनाइए, ए सर्कल हो गया, ए सेंटर हो गया, एक cord है ए बी, यहां से इसको perpendicular डाल दिए, इस पर क्या कर दिए? परपेंडिकुलर डाल दिए। अब यहां से बस यही है कि अब गिवन लिखेंगे, गिवन आपको बता दिया है लिखने के लिए कि देयर इज ए सर्कल सी ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर ओ सी, ए बी इज ए कॉर्ड एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब सीधे आरटीपी में आइए, मैं आरटीपी लिख रहा हूं, कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी ए सी इजक्वल टू बी सी, बाइसेक्ट करने का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? ए सी इजक्वल टू बी सी। यहां पर बच्चों का कंस्ट्रक्शन है, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो आप जाएंगे कहां, कैसे कॉन्ग्रोइंट करेंगे? तो इसके लिए मुझे इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा ऐसे, और फिर यहां से इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो लिखेंगे ज्वाइन ओ ए
एंड ओबी। अब आइए प्रूफ में, एन ट्राइंगल एओसी एंड ट्राइंगल बीओसी, दो ट्राइंगल है दोनों में। चलिए बच्चों देखिए, ए तो रेडियस है इस वजह से तो इक्वल हो गए ही, तो लिख सकते हैं ना OA इज इक्वल टू OB, कारण ड्यू टू रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस हो गया। आगे देखिए OC इज इक्वल टू OC, क्या है बच्चों कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ओके। और एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO 90 डिग्री हो जाएगा, ACO एंड BCO क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय RHS, देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड का हमने यूज किया है इसलिए बाय RHS। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बच्चे कॉन्ग्रुएंट करने में ही दिमाग खराब कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लीजिए, दो ट्रायंगल है कोई तीन चीज को इक्वल करिए, सिर्फ तीनों एंगल को नहीं करिए, बस एक लाइन की बात मैं बताता हूं। अब CPCT लगाइए तो दो ये बराबर ही हो गया है, दोनों में कॉमन ही है, बचा हुआ साइड CPCT से इक्वल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू BC बाई CPCT प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से एक थ्योरम भी हमने प्रूफ कर लिया। यह थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इसका एक कन्वर्स है वो भी मैं कर देता हूं। तो कन्वर्स में क्या कहता है, कन्वर्स कहता है कि थ्योरम है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर ऑन इट। ठीक, इसका उल्टा है, यानी ए सर्कल हो गया, ए सेंटर है और एक कॉर्ड है, ए भी कॉर्ड है वो सेंटर है, कॉर्ड का मिड पॉइंट हो गया सी यानी ए बराबरी। अब इसको मिलाने वाला ए लाइन OC इट इज परपेंडिकुलर ऑन AB, AB पर परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना है। हमने अभी क्या किया था, परपेंडिकुलर था तो बाइसेक्टर प्रूफ किया, अब बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, इसी को कन्वर्स कहते हैं। तो गिवन लिख लेंगे, देयर इज ए सर्कल सी ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ऐसे सर्कल सी ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और AB इज ए कॉर्ड सच दैट AC इज इक्वल टू BC, OC इज ज्वाइंड, OC को ज्वाइन कर दिया। आप कंस्ट्रक्शन इसमें करना है नहीं, पहले तो RTP करना है। RTP में क्या है बच्चों कि इसको 90 डिग्री तो 1 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री प्रूफ करना। अब यहाँ के बाद कंस्ट्रक्शन, फिर वही प्रॉब्लम है, चूंकि ट्रायंगल तो आए नहीं तो आप जाएंगे कहाँ, तो आपको पहले इसको ज्वाइंट कर देना है ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर लिया। प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल है चलते हैं। देखिए AC इज इक्वल टू BC, क्या है बच्चों एक गिवन है, उसके बाद क्या है OC कॉमन है, OC इज इक्वल टू OC कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, और क्या दिया हुआ है AC इज इक्वल टू रेडियस है ना, तो AC OA एंड OB इक्वल होगा, कारण है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है इस वजह से होगा। Therefore, triangle AOC congruent triangle BOC, कारण क्या होगा देख लीजिए, बाई साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हो गया, इसके बराबर ए साइड हो गया
ए सी इजक्वल टू बी सी हो गया, ये दोनों में कॉमन है। सी पी सी टी लगाइए, ये दोनों इक्वल है, इसके सामने वन और इसके सामने टू, तो एंगल वन इजक्वल टू एंगल टू बाई सी पी सी टी। अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, यह एक स्ट्रेट लाइन है और इसी पर एंगल वन और टू है, तो यह लीनियर पेयर बनाएगा, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इजक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या लिखना है, लीनियर पेयर। अब 1 प्लस 2 को क्या लिखे, 1 क्योंकि 2 तो 1 के इक्वल है, इजक्वल टू 180 डिग्री, 1 एंगल 2, एंगल 1 दो बार जोड़ेंगे तो 2 एंगल 1 लिखेंगे, 180 डिग्री, तो एंगल 1 इजक्वल टू 180 बाई 2 इजक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ये भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चार थ्योरम प्रूफ किया, बाकी थ्योरम अब अगले वीडियो में करेंगे, और तब तक आप लोग इसको नोट्स बनाइए और इसको याद करिए, बार बार लिखिए, तब ये बनेगा। धन्यवाद बच्चों। तो सर्कल सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं?